मिटा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ से हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को निम्नलिखित समीकरण को क्या कहते हैं, ब्रज गुणन विधि से हल करना है, ठीक है ना। यही पूछा था तुम, यही पूछा था तुमसे, नहीं बना तो हमने इसको लिख लिया, ब्रज गुणन विधि से हल करें, राइट। समीकरण क्या कहता है, तो 2x+y बराबर 35, समीकरण हो गया एक। उसी प्रकार समीकरण दूसरा है 3x+4y=65, समीकरण नंबर दो। ये हो गया। अब यहाँ से समझो, उसको एक कलम दे दो, कहीं से कोई जुगाड़ कर लो, एक कलम लो। तो यहाँ से 2x+y=35, ये हो गया। यहाँ से सबसे पहले देखो कि क्या करना है, वहां पर A1 और B1 और C1 बैठाना है। तो ऊपर वाला तुम जानता है कि ये एक्स वाई तो उसमें भी था, आया था ऊपर वाला A1 B1 और C1 को मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो, क्या लिखेंगे, माना कि A1 बराबर कितना, 2, सिर्फ 2, x x नहीं, 2। उसके बाद B1 बराबर एक, कुछ नहीं है तो एक। हाँ, ये चर को नहीं लिखेंगे, इस पे कोई वेरिएबल, हाँ मान लेना B1। उसके बाद C1 बराबर 35, ये हो गया। उसी तरह से A2 बराबर कितना, 3, आप B2 बराबर कितना, 4, और C2 बराबर 65, ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो x बराबर प्राप्त करना है वैल्यू, है ना। तो लिखेंगे x बराबर वो फॉर्मूला, तभी जो हम बताए थे वहां से फॉर्मूला बोलो, x बराबर कितना बताए थे, x बराबर B1 ही था पहले, अच्छा B1 C2 माइनस, अच्छा B2 C1, ये हो गया। बट्टे में A1 B2 माइनस, उसके बाद A2 B1। अब यहाँ से बन गया। अब क्या करेंगे, सब पर जहां जहां जो जो मान वहां वहां क्या करेंगे, तो बैठा देंगे, यहीं से कर देते हैं। चलिए B1 का मान इसमें से ढूंढ कर बताइए कितना है, एक है, आ गुना बीच में क्रॉस लगता है, गुना इंटू मतलब गुना, इंटू मतलब पिंटू नहीं, गुना। C2 का मान बोलो, C2 का मान है कितना, 65। या इसके बाद यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर माइनस भी है, माइनस में चलेंगे, B2 का मान 4 गुना C1 का मान 35, आप बट्टे में चले आते हैं, बट्टे में A1 का मान 2 गुना B2 का मान, B2 का मान 4, 4 माइनस, फिर उसके बाद A2 का मान 3 गुना B1 का मान 1। अब यहां से क्या करेंगे, तो हल कर लेना है, 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 होगा माइनस, 4 को 35 से गुना करना है, 4 को 35 से गुना करना है, हाँ तो गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 का सुना में 2 4 3 12, 12 2 14 140, ये हो गया। नीचे से भी गुना करेंगे, 4 2 8 माइनस 3 1 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल फंडा, यहाँ से क्या करेंगे, हल कर लेना, इसमें से इसको घटा लेना, मतलब 140 में से 65 को ही माइनस करना है, तो 140 में से 65 को माइनस कर लेना, कितना बचेगा, यहाँ 5, यहाँ पर बचा 3, 3 में से यहाँ से पैसा लेंगे तो 13 होगा, 13 में से कितना, डायरेक्ट। अब यहाँ पर है 175, कैसे तुम घटाया रे पैरो लड़का, तो यहाँ 5 और यहाँ पर 3 बचा, 3 13 में से तो कितना, 7, 75 कितना बचता है,
75, सिर्फ 75। अब यहाँ पर देखो, बड़ा माइनस में 140 है और छोटा में 65 है, तो इसका चिन्ह माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। हाँ, और उसके बाद 8 में से कितना 5 कटे जाएगा, 15 5 75, राइट। तो बच गया माइनस कितना 15, मतलब एक्स बराबर निकल गया कितना, एक्स बराबर -15। हाँ, एक्स बराबर -15। अब सेम टू सेम प्रोसेस किसको ले जाएंगे, किसको